गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है हमारा कल्चरल डिश इडलपा और उसके साथ मैंने पत्ता गोभी के पकोड़े बनाया है। दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग तीनों, मैं, बेबी और उसके पापा, एक जगह पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी बता नहीं सकती, मैं बताऊंगी बाद में। सो गाइस, अभी हो गया है रात, तो मैं भी रात के खाने में खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बेबी के पापा को बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि ड्राई खिचड़ी बनाने के लिए, लेकिन उसका प्रोसेस ही मुझे पता नहीं था, तो मेरे से हो नहीं रहा था वो। तो फाइनली मैंने मम्मी को कॉल करके बोला, पूछा कि कैसे बनाते हैं, तो मम्मी ने मुझे प्रोसेस बताया। तो उसी प्रोसेस के मुताबिक मैंने खिचड़ी बनाया है। देखो, बहुत ही अच्छा बना है। हमारे कल्चर के लोग ऐसे खिचड़ी खाते हैं, वो कभी भी पानी वाला वो खिचड़ी नहीं खाते। हम सभी ड्राई ड्राई खिचड़ी पसंद करते हैं। हमारे कास्ट के लोग ऐसे खिचड़ी खाते हैं, ड्राई वाला। और मैंने उसके साथ बनाया है एक पत्ता गोभी की सब्जी। अभी मैं परोस रही हूँ बेबी के पापा के लिए। बेबी के पापा खाना खा रहा है और इधर बेबी खेल रही है उसके साथ। बेबी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है हमें भी। पहले हम जब भी खाना खाते थे तो पहले एक खाते थे, उसके बाद दूसरा, क्योंकि बेबी रोने लगती थी। लेकिन अभी बेबी बिल्कुल भी वैसे नहीं करती है। अभी बेबी चुपचाप पास में बैठ के देखती है हमें। सो गाइस, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक खुश रहो। बाय बाय, गुड नाइट।